दोस्तों, ये शोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये 7 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करके विधायक बने हैं, ये जल्द से जल्द कमाना चाहते हैं। इनके ऊपर धमकी देने का आरोप है। इनके ऊपर अपने सिक्योरिटी गार्ड को पैसा ना देने का आरोप है। ये तमाम आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। कल 200 प्रधान एक साथ इकट्ठा हुए सिद्धार्थनगर में और इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। 200 प्रधान उस क्षेत्र में हैं और सारे के सारे लोग मोहर के साथ ये लिख के दिए हैं वहाँ के डीएम को कि प्रधान, ये विधायक जी जो है वो पैसा मांगते हैं, धमकी देते हैं, काम नहीं करने देते हैं और कहते हैं कि 7 करोड़ रुपए हम चुनाव में खर्च करके आए हैं, वो भी तो वापस चाहिए। ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। पवन मिश्रा एक है वहाँ पे, वो पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। क्या कह रहे हैं पहले सुनिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। मेरा विरोध विधायक के प्रति इतना है कि वो ग्राम पंचायतों के काम में रोड़ा डाल रहे हैं, पंचायतों से आर्थिक सहयोग चाह रहे हैं, पंचायतों में वहाँ के सेक्रेटरी को, वहाँ के प्रधान को, वहाँ के वीडियो को हड़का रहे हैं, टीओ को मेजरमेंट करने से रोक रहे हैं। इसीलिए हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे सोहरतगढ़ में आज की स्थिति ऐसी है कि ग्राम पंचायतों में विकास का काम रुका हुआ है। मैंने विधायक से इस समस्या में बात करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। उनके लोग मेरे पास आए और कहे कि जैसे आप लोग सब कुछ करते हैं, विधायक के लिए भी उनकी सेवा कीजिए। वह उनका कहने का तात्पर्य एकदम स्पष्ट था कि क्या विधायक को हम लोग पैसा दें, ये ग्राम पंचायतें नहीं कर पाएंगे। विधायक जी से हम लोग मिले, उन्होंने कहा मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, 7 करोड़ रुपया खर्च करके मैं सिद्धार्थनगर में तब विधायक बना हूँ, मेरा पैसा कैसे वापस आएगा, इस पर आप लोग गौर कीजिए। स्पष्ट संदेश था कि आप लोग ग्राम पंचायतों से लाकर कमीशन या पैसा मुझे दीजिए। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई, जिलाधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से मिलकर सोहरतगढ़ विधानसभा के हम सभी प्रधान साथी अपना सामूहिक इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देंगे, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन पर हम लोगों ने विनय वर्मा जी को यहां का विधायक चुना था। तो देखा आपने क्या क्या आरोप लग रहे हैं, विधायक जी पे सेवा करवाने का, कमीशन करवाने का, धमकी देने का, तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी एक आरोप कुछ दिन पहले चर्चा में था, उन्हीं के क्षेत्र का। एक सिक्योरिटी गार्ड कह रहे थे कि 2 महीना 21 दिनों से उन्हें काम कराया गया है, राजकुमार सिंह उनका नाम है, किनारे वीडियो आप देख रहे होंगे, ये कह रहे थे कि विधायक जी जो है काम करा लिए हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। इनको भी थोड़ा सा सुन लीजिए। विधायक विनय वर्मा हम लोगों का सैलरी नहीं दे रहे हैं और 4 फरवरी 2022 विधायकी के इलेक्शन में बुलवाए थे, सबसे पूरा काम करवाया 18-18, 20-20 घंटा और उसके बाद 22 अप्रैल 2022 तक करीब 2 महीने 21 दिन पूरी ड्यूटी करवाए हैं। उसके बाद एक पैसा नहीं दिए, बोले कि आइए लखनऊ देता हूँ, वहाँ बुला के एक हफ्ता रोके रहे। उसके बाद हम लोग अपना किसी ढंग से वहाँ रहे, दिन भर इनके यहाँ बैठे रहते थे। बाद में जो है बोले कैसा है, पैसा के समय दिक्कत है, इलेक्शन में बहुत परेशानी आ गई है, आप लोग अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम जो है आपके खाते में भेज दूंगा। अच्छा। तो हम लोग उसी भरोसे पे चले आया हूँ। आज 7-8 महीना हो गया है, 7 महीने से लगभग ज़्यादा होने वाला है, एक पैसा नहीं दिए हैं। आज कल कर रहे हैं, कभी विधानसभा में बैठा हूँ, कभी दिल्ली जा रहा हूँ तो वहाँ से भेजता हूँ, कभी मीटिंग में बैठा हूँ, आज करता हूँ, कल करता हूँ, अभी करता हूँ, और मैंने उनकी सारी बातें भी रिकॉर्ड की हैं। अब इन दोनों वीडियो को आपने देखा होगा, चीज़ें समझी होंगी और तमाम चीज़ें देखी होंगी। थोड़ा सा मैं इनको डीप दिखाता हूँ। देखिए कितने स्वीट विधायक लग रहे हैं, भाजपा और अपना दल का इन्होंने लगा रखा है। इनका फेसबुक मैंने खोल रखा था और ये देखिए कितने मुस्कुराता हुआ चेहरा है, अपना दल की प्रमुख हैं ये अनुप्रिया पटेल जी, योगी आदित्यनाथ के साथ इनकी फ़ोटो है। ये तमाम बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शोहरतगढ़ से जहाँ ये विधायक हैं, जब ये चुनाव लड़ने गए थे तो लोगों को पता था कि इनका नाम भी नहीं पता था और शायद ये भी इनके करीबी बताते हैं कि ये कभी उस क्षेत्र में गए ही नहीं थे। अचानक शोहरतगढ़ की जो सीट होती है वो अपना दल में आती है और उसी के कुछ दिन पहले ये विधायक के चुनाव के लिए ललायत थे, तमाम चीज़ें थी। ये अनुप्रिया पटेल के पास पहुँचते हैं और समीकरण सेट बैठता है और अनुप्रिया पटेल इन्हें टिकट देती हैं और ये शोहरतगढ़ पहुंच जाते हैं। तो जो आदमी कभी उस क्षेत्र को जानता नहीं था, वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल के चेहरे पर वहां से विधायक बन जाता है। और विधायक बनने के बाद जो आरोप लगते हैं कि वो प्रधानों से कमीशन मांगता है, वो प्रधानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो तमाम ऐसी बातें करते हैं जो एक विधायक, सत्ता पक्ष का विधायक, और खास तौर की बात, खास बात ये है कि ये विधायक जो हैं वो बीजेपी से लिंक्ड है,
मतलब कहा जाए तो बीजेपी के चेहरे पर ही चुनाव जीते हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे भाजपा का झंडा और पीछे कहीं अनुप्रिया पटेल का झंडा। तो कुल मिला जुला के जो समीकरण है, ये एक तरह से कहा जाए कि अपना दल के बाद ये भाजपा के विधायक हैं और ये भाजपा के विधायक प्रधानों से कमीशन मांगते हैं। ये कहते हैं कि 7 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया है, जिन्हें जल्दी से जल्दी चाहिए। ये सारे आरोप उन्हीं के क्षेत्र के प्रधान लगा रहे हैं। इनका सिक्योरिटी गार्ड लगा रहा है जो इनके साथ 2 महीने 21 दिन तक काम किया था। ये तमाम बातें छोटे से जिले में हो रही हैं, ये छोटी खबरें दब जाती हैं, लेकिन ये खबर जब मेरे पास तक आई तो हमें लगा कि एक छोटी सी जगह है जहां की बातें उठ नहीं पा रही हैं, तो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आप विधायक जी के बारे में और मासूमियत के बारे में कितना जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ इस तरह की और खबरें हैं तो हमसे साझा कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि उसे आपके सामने जरूर रखा जाए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।